दोस्तों, मैं माला मनु की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारा खाद मैं अपने पौधे के लिए तैयार की हूँ। बहुत कम मेहनत में इतना सारा खाद बन जाता है दोस्तों, कहीं जाना नहीं पड़ता है। घर के ही वेस्ट मटेरियल से हमने इस खाद को बनाया है। तो हमने कैसे बनाया है और किस तरह से बनाने से ये खाद बहुत जल्द बन जाता है, यही सब बातें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, हमारे किचन में बहुत सारे सामान जो होते हैं, फल के छिलके, सब्जी के छिलके, देखिए चाय पत्ती है, और मैं सेब डेली खाती हूँ, तो सेब का छिलका है, लहसुन और प्याज भी मैं डेली यूज करती हूँ, और बादाम का छिलका मैं भी डेली इसमें डालती हूँ। तो देखिए, बादाम का भी छिलका है। इन सभी को मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, इन सभी को जमा करती हूँ, और सभी को जमा करके आपके भी किचन में बहुत सारे सब्जी के छिलके और फल के छिलके डेली निकलते होंगे, उन्हें जमा करना है। नींबू को भी छिलका मैं प्रत्येक दिन जमा करती हूँ। तो देखिए, इन सभी को जमा करना है, और जो मैं छाली घर में स्टोर करती हूँ मक्खन के लिए, उसका छाछ भी मैं जमा करके रखती हूँ, और इसे मैं अपने गार्डन में ही यूज करती हूँ। तो एक ड्रम मैं बड़ा सा रखी थी, उसमें मैं अपने गार्डन के भी जितने फूल वेस्ट होते थे, पूजा करती थी उसका फूल, और गार्डन के जितने भी पत्ती वगैरह फूल और गार्डन के जितने भी पत्ती वगैरह लीव वगैरह जो होते हैं, जो टूट करके गिरते हैं, उन सभी को मैं इसमें डाल देती थी। देखिए, मैं इसमें एक महीने पहले से स्टोर कर रही थी, और मैं एक बड़ा सा लकड़ी रखी हूँ इसे चलाने के लिए। तो लकड़ी वाला डंडा बहुत ही ठीक रहता है ड्रम को में, जो भी हम कंपोस्ट रखें उसे ऊपर नीचे करने के लिए। तो ये 7 दिन पहले का मैं आपको ऊपर का दिखा रही हूँ, जो देखिए बहुत अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट हो गया है, और बहुत नीचे का भी मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, जो एक महीने पहले नीचे मैं डाली थी वो अब अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट गया, बहुत ब्लैक हो गया है दोस्तों, हाथ नहीं हमारा पहुंच रहा है। बहुत बड़ा ड्रम है, इसलिए आपको निकाल के दिखाने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है। तो देखिए, बहुत नीचे है, वो बहुत अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट हो जाता है। तो डीकम्पोस्ट करने के लिए आपके पास छाछ हो, दही का पानी हो, उसे आप 15 दिन में एक बार डालती रहिए। छाछ डालने से बहुत जल्द डीकम्पोस्ट हो जाता है, और 2 महीने में ही हमारा ये किचन वेस्ट बहुत अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट होकर के रेडी हो गया है दोस्तों। तो इसे अब मैं अब प्लांट में डालूँगी। देखिए, हमारा ड्रम काफ़ी बड़ा था, और इस ड्रम में ही मैं डीकम्पोस्ट करती थी हमेशा किचन वेस्ट को। तो अब मैं इस ड्रम को खाली करने वाली हूँ, और जो मैं इसमें किचन वेस्ट डालती थी वो भी बहुत अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट हो गया है। तो इस ड्रम को खाली करके मैं अब इस डीकम्पोस्ट किए हुए फर्टिलाइज़र को धूप में थोड़ा सा डाल दूँगी, जिसे थोड़ा सा ये हवा लग जाएगा, तो मैं इसे बोरी में रखूँगी। तो देखिए, मैं इसे एक प्लास्टिक नीचे में डाली हूँ, और इस पर मैं इसे पलट रही हूँ। जब ये डीकम्पोस्ट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है, आधा ड्रम ही बना है इसमें दोस्तों। तो देखिए, मैं इसे पलट रही हूँ, और पलट देने के बाद मैं इसमें से निकालूंगी। लेकिन पीछे से पलटना थोड़ा सा हेवी हो गया है, तो मुझे अकेले निकालने में दिक्कत हो रहा था, तो मैं कुदारी रखी हूँ, और इस कुदाल से करके उसे मैं निकाल रही हूँ। और डीकम्पोस्ट होने पे थोड़ा सा गीला है, तो अभी धूप भी अच्छा होने लग गया है। फरवरी स्टार्टिंग से ही हमारे यहाँ हल्का हल्का धूप शुरू हो गया था, अब अच्छा धूप होने लग गया है। तो मैं इसे निकाल करके धूप में सुखा दूँगी एक दिन, और इसके बाद मैं इसे बोरी में रखूँगी। तो देखिए, कितना अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाता है। जो हम खाते हैं उसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, तो ये पौष्टिक तत्व जितना हमारे लिए प्रोटीन और मिनरल से भरपूर होता है, उतना ही हमारे प्लांट के लिए भी होता है दोस्तों। तो देखिए, ड्रम हमने खाली कर लिया है, और खाली करते समय थोड़ी सी मुझे परेशानी हुई, लेकिन करना है हमारे प्लांट से प्रेम, तो मुझे ये काम तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। मैं अपने प्लांट से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, और समय पे जो काम हो जाता है वो बहुत बढ़िया होता है। तो मैं समय पे इन सभी कामों को कर रही हूँ, ड्रम को खाली कर दी हूँ, और ड्रम को खाली करने के बाद पतला करके मैं इसे छत पर पसार दूँगी, और पसारने के बाद एक दिन मैं इसे धूप लगाऊँगी, और फिर मैं इसे अपने पॉट में, कुछ पॉट में डालूँगी और कुछ बोरा में रख करके इसे सेव कर लूँगी। तो आप भी इस तरह से फटाफट से किचन वेस्ट कंपोस्ट से बहुत बढ़िया खाद अपने घर में ही रेडी कर सकते हैं, और ये खाद हमारे प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों। कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, और आपको फ्री में इतना सारा खाद बन जाता है। आपके घर में जो इतना सब्जी आप खरीद करके लाते हैं, फल खरीद करके लाते हैं, फेंकते हैं, इतना महंगा होता है, और उसका छिलका कितना ज़्यादा बेनिफिट हमारे प्लांट के लिए होता है, ये हमें भी पहले मालूम नहीं था दोस्तों। जब मैं ये फर्टिलाइज़र बनाने लगी और अपने प्लांट में डालने लगी, तो मुझे भी अनुभव होने
होने लगा कि ये चीज़ हमारे गार्डन के लिए बहुत बढ़िया है और हमारे प्लांट के लिए तो बहुत बढ़िया खाद बन के रेडी हो जाता है। तो मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ। मैं सरसों की खली, गोबर की खाद और ये किचन वेस्ट कंपोस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और ज़्यादातर मैं सोचती हूँ कि घर में जो वेस्ट हो रहे हैं हमारे किचन में, उसी से मैं अपने प्लांट का ट्रीटमेंट करूँ। तो फंगिसाइड भी मैं अपने घर के ही सामानों से बनाती रहती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया खाद बन के रेडी हो गया है। तो आप भी दोस्तों इस तरह से फटाफट से किचन के भी जो भी वेस्ट हो उसे कलेक्ट करें। कलेक्ट करने का तरीका, आपके पास कोई डब्बा हो, कोई बाल्टी हो, कोई भी, आप पॉलीथीन में भी इसे जमा करेंगे और उसमें होल बना करके इसे रख लें, तो इसे जो लिक्विड निकलता है, डीकम्पोस्ट होता है, तो वो आपके प्लांट के लिए बढ़िया हो जाता है। और डीकम्पोस्ट किया हुआ ये जो हमारा फर्टिलाइजर बन के रेडी हो गया है, इसको आप मिट्टी में मिक्स करके अपने पॉट में डालेंगे और आपके पॉट भी हल्का हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आप बनाइए। आप ज़रूरी नहीं है कि आप डब्बे में ही बनाइए, मैं तो बोरी में भी बनाती हूँ दोस्तों। अब ये मेरा बड़ा सा ड्रम अब नहीं रहा, अब इसमें मैं बड़े से प्लांट को लगाऊंगी, तो अब मैं इसे बोरी में ही इसे बनाऊंगी दोस्तों। और बोरी में भी बनाना बहुत आसान है। आपके घर में बहुत सारा बोरी आता होगा, चावल का बोरी है, सीमेंट का बोरी है, या किसी भी तरह का बोरी आपके घर में आता है, तो उसे वेस्ट नहीं किए, वेस्ट सामान को ही वेस्ट चीज़ों में आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन जाता है दोस्तों, और फ्री में बन जाता है। तो देखिए इतना सारा मैं बनाई हूँ, आधा मैं बोरी में बंद करके स्टोर कर ली और आधा मैं अपने प्लांट में, मिट्टी जो मैं रेडी करूँगी उसमें मैं इसे मिक्स करके और पॉट में डाल दूँगी, तो हमारा पॉट भी हल्का हो जाएगा और इस तरह से हमारा प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग शुरू हो जाएगा। अभी समय भी बहुत बढ़िया है, अभी प्लांट में फर्टिलाइज़र डालने का भी टाइम है, अभी हम मिट्टी भी रेडी कर रहे हैं, नए नए प्लांट भी लगा रहे हैं, तो उसके लिए आप इस तरह की मिट्टी आप रेडी करें। जब मिट्टी रेडी करते हैं तो उसमें इस तरह से बनाइए दोस्तों। देखिए एक बोरी मैं पहले भी बना के रख चुकी हूँ, तो देखिए ये हमारा किचन वेस्ट बहुत बढ़िया से बन गया है दोस्तों। इसे मैं छन्नी से छान भी ली हूँ और मैं अपने प्लांट में महीने में एक बार थोड़ा सा 4-5 चम्मच के करीब मैं डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा मिट्टी की गुड़ाई करके हर महीने मैं थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छी तरह से हमारे प्लांट में फ्लावरिंग होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ मैं रखी हूँ लहसुन का छिलका, प्याज का छिलका, और मैं इसे पानी में पहले डालती हूँ। जब मैं किचन से इसे वेस्ट करती हूँ तो मैं इसे पानी में डाल देती हूँ और यही पानी मैं अपने प्लांट में डेली डालती हूँ, इसी तरह से मैं डालती हूँ हमेशा। तो देखिए जो ऊपर का किचन वेस्ट है मैं इस तरह से बोरी में एक पॉलीथीन रखती हूँ, बोरी वाला तो डीकम्पोस्ट होता रहता है, और जब मेरा पॉलीथीन वाला अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट हो जाता है फिर मैं बोरी में पलट देती हूँ और इस पॉलीथीन में फिर मैं नया वाला रखती हूँ। करीब 10 दिन तो मैं तो पॉलीथीन में ही रखती हूँ, थोड़ा सा मैं देखती हूँ डीकम्पोस्ट हो जाता है तो बोरी में पलट देती हूँ। और ये बोरी को मैं अपने घर में मंगाई हूँ लकड़ी का भूसी, मैं उसके ऊपर डाल देती हूँ, तो इसका लिक्विड है सो बोरी में ही जाता है दोस्तों। इस तरह से आप भी फ्री में फर्टिलाइजर बनाइए और अपने प्लांट को बहुत अच्छा कीजिए दोस्तों। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।